कहाँ जा रही हो? जी वो कमाल साहब के लिए जूस लेके जा रही हूँ। जूस लेकर कहाँ जा रही हो? वो सबाहत के कमरे में नहीं है? नहीं जी, वो स्टडी रूम में है। ओ अच्छा, एक काम करूँ, मैं दे देती हूँ, लाओ मुझे दे दो। हम जा। कमाल, अरे सबक, तुम क्या हुआ, आप इतना हैरान क्यों हैं? नहीं, वो मैंने कुलसुम से कहा था। और आपकी बीवी लिया, बैठ जाओ इधर। क्या हुआ, आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, बैठ जाओ। हर वक्त बिजी रहते हैं, थक जाते होंगे, रेस्ट कर लिया करें। मैं ठीक हूँ। अच्छा लाए, ये मुझे दे। लाए लाए लाए। अरे ना, आपका हाथ दबा। अरे नहीं नहीं आप जाए यहाँ से। आप देखिएगा ना, आपको कितना आराम आएगा। मैं दबा देती हूँ ना, सर दबा दूँ आपका। अरे मुझे सर दबाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको मेरी तो जरूरत है ना, मैं बेवी हूँ आपकी। आप तो अकेले में भी मुझसे घबराते हैं। अगर आप सबाहत से इतनी मोहब्बत करते थे और उनसे आपको इतना ही डर लगता था, तो आपको ये शादी नहीं करनी चाहिए थी ना। यही तो मसला है हमारे मोहब्बत। जब भी एक मर्द एक अच्छा हस्बैंड बनने की कोशिश करता है, तो लोग पता नहीं क्यों समझते हैं कि वो अपनी वाइफ से डरता है। लोग तो लोग, मेरी तो अपनी माँ भी यही समझती। लेकिन मैं भी तो आपकी बीवी हूँ ना। आपने औलाद के लिए शादी की है, लेकिन मैंने तो अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए भी शादी की है। क्या तुम अच्छी जिंदगी नहीं जी? बिल्कुल गुजार रही हूँ, लेकिन तन्हा, आपके बगैर। आइंदा आप अकेले भी बैठे हुए होंगे ना, तो मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगी। कसम से रहूंगा तेरे साथ।